मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर, आपकी नीतिका मैम। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण का पाठ 15, जिसका नाम है चित्रों को देखकर वाक्य लिखना, सेंटेंस मेकिंग। आप लोग सेंटेंस बनाते हो ना, इंग्लिश में और हिंदी में भी वाक्य बनाते हो, तो यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं। आपको पिक्चर्स को देखना है और उसमें देखना है क्या हो रहा है, और उससे आपको एक वाक्य, एक सेंटेंस बनाना है। तो अभी आप हिंदी व्याकरण की बुक ओपन कीजिए, हिंदी व्याकरण, उसमें निकालिए पेज नंबर 67। ये है ना 67 में चैप्टर 15 पार्ट 15, जिसमें लिखा है ना चित्रों को देखकर वाक्य लिखना। तो चलिए हम चित्र देखते हैं, उसमें क्या हो रहा है। नीचे दिए चित्रों को देखकर वाक्य लिखिए। तो इसमें हमने पिक्चर में देखा कि एक बच्चा है, साइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है ना, साइकिल पर बैठ कर। तो हम उस बच्चे को कोई भी नाम दे सकते हैं ना, हमें तो नहीं पता उसका क्या नाम है, तो हमने नाम दिया रोहन। तो क्या लिखेंगे, रोहन साइकिल चला रहा है। आपने एक पहले भी एक पार्ट पढ़ा था ना, जिसमें था कि वाक्यों को सही क्रम में लिखना। तो हमें वाक्य बनाने से पहले सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा कि वाक्यों को सही क्रम में लिखेंगे, तभी भाषा सुंदर लगेगी और लिखा हुआ हमको समझ में आएगा। अगर हम साइकिल रोहन चला है रहा ऐसा उल्टे सीधे यहाँ वहाँ शब्द लिखेंगे तो समझ में आएगा नहीं ना। तो शब्दों को सही क्रम में लिखते हैं तभी वाक्य बनता है। तो हमने कैसे वाक्य बनाया, रोहन साइकिल चला रहा है। तो रोहन साइकिल चला रहा है, इसमें दूसरे वाले पिक्चर में चित्र में क्या है, एक बच्चा लिख रहा है। तो हमने क्या नाम दिया उस बच्चे को, रौनक। तो हम क्या बोलेंगे, रौनक लिख रहा है, सेंटेंस बन गया ना। फिर तीसरे वाले पिक्चर में क्या है, चित्र में बत्तख है ना, वो तैर रही है। तो हमने क्या लिखा, बत्तख पानी में तैर रही है। फिर नेक्स्ट में क्या है, एक लड़की है ना, रस्सी कूद रही है, स्किपिंग कर रही है ना, तो सोनाली नाम दे दिया हमने उस लड़की को। हमें नहीं पता ना उसका नाम क्या है, तो हम कोई भी नाम रख सकते हैं। तो सोनाली रस्सी कूद रही है। फिर नेक्स्ट में एक टॉय शॉप है ना, खिलौने की दुकान, उसमें एक बच्चा खड़ा है, खिलौने खरीद रहा है। तो हमने उस बच्चे को क्या नाम दिया, राजू। कोई भी नाम दे देते हैं, राजू खिलौने खरीद रहा है। तो हमारा सेंटेंस बन गया ना। फिर नेक्स्ट है, एक लड़की पर्वत पर चढ़ रही है ना, माउंटेन पर, तो हमने क्या नाम दिया, प्रिया उस लड़की को। तो प्रिया पर्वत पर चढ़ रही है, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, लड़की पर्वत पर चढ़ रही है, पर अच्छा नहीं लगता ना बोलने में, तो हमने उसको एक नाम दे दिया कि प्रिया पर्वत पर चढ़ रही है। फिर नेक्स्ट है, एक फल वाला है ना, वो फ्रूट्स बेच रहा है ना, तो हमने उसको क्या सेंटेंस बनाएंगे, फल वाला फल बेच रहा है। हमारा सेंटेंस बन गया चित्रों को देख के। हमें चित्र देख के समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो हमको वही काम देखना है और कौन कर रहा है वो देखना है। लड़का है या लड़की, लड़का है तो लड़के वाला नाम देंगे, और लड़की है तो लड़की वाला नाम देंगे। देख के हम एक सेंटेंस बनाएंगे। वही हमारा पाठ यहीं कंप्लीट हो गया।